हेलो एंड वेलकम टू डेली एक्सप्रेस। दोस्तों, अनुज और अनुपमा को अलग करने के लिए वनराज ने चली बड़ी चाल। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुज और अनुपमा नहीं मिल पाए हैं और उसका बड़ा कारण है वनराज। जी हाँ, वनराज शाह ने अनुपमा का पीछा अभी भी नहीं छोड़ा है। दोस्त के रूप में वो अनुपमा की जिंदगी में जहर घोल रहा है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं टेली एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में। लेकिन उसके पहले, अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो डू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, जहां आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से अनुज और अनुपमा को अलग करने के लिए माया और बरखा ने चाल चली है, और किस तरीके से बरखा ने पूरी कोशिश की है, अनुज को भड़काया है कि वो अनुपमा से दूर रहे और अनुपमा के लिए यही बेटर है। तरफ अंकुश ने पूरी कोशिश की और अनुपमा से मिलाने के लिए अनुज को काफ़ी ज़्यादा समझाया कि तुम मिलो अनुपमा से, तुम दोनों एक साथ हो सकते हो, तुम्हें एक साथ होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बरखा ने पूरी कोशिश की कि ये दोनों आमने सामने ना आ पाएं। ऐसे में अंकुश की आखिरी कोशिश भी नाकामयाब हुई और उसका क्रेडिट किसी और को नहीं बल्कि वनराज को जाता है। जब अनुज ऑफिस में अंदर बैठा होता है और अंकुश उसे कहता है कि तू जा अनुपमा से मिल ले, अगर वो अंदर नहीं आ पा रही तो तू जा उससे बाहर ऑफिस में मिल, तभी अंकुश ऑफिस से बाहर चला जाता है और अनुपमा से कहता है कि तुम चलो अंदर अनुज के पास, और अनुपमा अंदर जाती है और अनुज ऑफिस से बाहर होता है। फिर आपको बता दी दोस्तों कि दरअसल इसमें वनराज का ही हाथ है। वनराज अनुज को कॉल करता है और उसको काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है, कहता है कि अनुपमा अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुकी है, अपने बच्चों के साथ खुश है और अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं देखना चाहती है। अनुपमा ने अपनी नई डांस अकेडमी खोल ली है और लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है। वो नहीं चाहती कि तुम उससे वापस मिलो और सारी पुरानी यादें ताज़ा करो। ऐसे में तुम उससे मत मिलना अनुज, और तुम वापस चले जाओ अपना काम करके। जिस छोटी अनु के लिए तुमने अनुपमा को छोड़ा था, अब उसी के पास वापस जाओ और अनुपमा को अपने बच्चों के साथ खुश रहने दो। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि यही बात बरखा ने भी अनुज को कही है और वनराज ने भी अनुज को कही है। और आपको बता दें कि इस बार ये सारी बातें, ये सारी चालें काम कर गई हैं और अनुज वहां से भाग जाएगा, अनुपमा से नहीं मिलेगा। वेल, इन सब की चालें जो कामयाब हो रही हैं, इसके बावजूद इन दोनों को मिलना तो होगा ही। आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।